गुजराती हिप हॉप में आज हम जानेंगे कि क्यों आर्टिस्ट अपने प्रोजेक्ट सरप्राइजली ड्रॉप करना सोचते हैं। रिसेंटली रफ्तार और कृष्णा ने अपने अपने ईपी सरप्राइजली ड्रॉप किए। सबसे पहले रफ्तार ने हार्ड ड्राइव वॉल्यूम 1 रिलीज किया, उसके बाद प्रभदीप के साथ प्रा प्रोजेक्ट रिलीज किया और कृष्णा ने अपनी ईपी टाइम विल टेल सरप्राइजिंगली ड्रॉप कर दी। तो चलिए जानते हैं सरप्राइजिंगली ड्रॉप के फायदे और थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री। अगर हम सरप्राइज ड्रॉप की बात करें तो वैसे तो बहुत आर्टिस्ट है जिन्होंने अपना सॉन्ग या फिर कोई भी प्रोजेक्ट सरप्राइजिंगली ड्रॉप किया या फिर विद इन 24 आवर्स ड्रॉप कर दिया। मगर अगर हम बात करें अपने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की तो सरप्राइज ड्रॉप की क्वीन कहलाती है बियॉन्से। बियॉन्से ने सबसे पहले अपना एल्बम 2013 में सरप्राइजिंगली रिलीज कर दिया था, उसका नाम भी बियॉन्से ही था। उसके बाद उन्होंने दूसरा एल्बम रिलीज किया जो कि नेम था लेमोनेड, वो भी सरप्राइजिंगली ड्रॉप किया था। और उन दोनों एल्बम का उन्होंने रीजन दिया था कि गाने लीक होने की वजह से वो सरप्राइज ड्रॉप करना प्रिफर करती है। और उसके बाद क्या जेजी ने, जो कि बियॉन्से के हस्बैंड है, उन्होंने भी एक सरप्राइज प्रोजेक्ट रिलीज कर दिया 444 एल्बम, जो कि मेरा फेवरेट एल्बम है। और उसके बाद दोनों ने साथ मिलकर एक सरप्राइज प्रोजेक्ट किया और वो सरप्राइजिंगली रिलीज कर दिया जिसका नाम था एवरीथिंग इज लव। ये प्रोजेक्ट सरप्राइज रिलीज करने का उनका एक कारण था, उन्होंने बोला था कि अगर दो बड़े आर्टिस्ट एक साथ काम करते हैं तो व्यूअर्स की एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है और क्रिटिक्स का क्रिटिसिज्म करना बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब एमिनेम और बियॉन्से का प्रोजेक्ट आया था तब व्यूअर्स ने और लिस्नर्स ने और क्रिटिक्स ने गाना सुनने से पहले ही क्रिटिसाइज कर दिया था। जब हम बात कर रहे हैं रैप गॉड की तो एमिनेम ने भी एक सरप्राइज एल्बम रिलीज किया था जिसका नाम था कामकाजी, जो रिसेंटली आया था और मेरा वो भी फेवरेट एल्बम है। और उनका उन्होंने रीजन यही दिया था कि क्रिटिक्स क्रिटिसाइज जल्दी कर देते हैं गाना रिलीज होने से पहले ही। अगर हम इंडिया के प्रोजेक्ट की बात करें तो रफ्तार और कृष्णा का दोनों का ये सरप्राइज प्रोजेक्ट बहुत ही सक्सेसफुल रहा था। और अगर रीजन की माने तो मुझे तो ये लगता है कि रफ्तार के हार्ड ड्राइव वॉल्यूम 1 में रफ्तार और बादशाह का प्रोजेक्ट था, फिर रफ्तार के दूसरे प्रोजेक्ट में प्रा में एक नया ही म्यूजिक इंट्रोड्यूस किया है रफ्तार ने, ट्रैप म्यूजिक, और वो भी कोलैबोरेटेड प्रोजेक्ट था प्रभदीप के साथ। और कृष्णा का प्रोजेक्ट टाइम विल टेल में तलहा यूनस और तलहा अंजुम का प्रोजेक्ट साथ में था। उसी के कारण ऐसे प्रोजेक्ट जब सरप्राइज ड्रॉप होते हैं तब लिसनर्स की एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है और प्रोजेक्ट बहुत ही सक्सेसफुल रहता है। एंड दैट्स इट। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ।